हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी साधे तो फिर एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ला एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट या मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना कितना गंभीर अपराध है, और अगर ऐसा आप अपराध करते हैं तो आपको IPC का सेक्शन 196 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन सजा कितने मिलेगी इस वीडियो में मैं लास्ट तक बताऊंगा, और किन के प्रोसीजर के माध्यम से होगा सारा सब कुछ डिटेल में देने वाला हूँ। चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, कई बार लोग सजा कोर्ट में सजा से बचने के लिए अथवा अपने विरोधी को सजा दिलाने के लिए फर्जी अथवा नकली डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं, यानी विपक्ष को हराने के लिए फर्जी और नकली डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। उपस्थित रजिस्टर से लेकर किसी यात्री बस के टिकट तक हजारों प्रकार के दस्तावेज फर्जी बनाए जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के खिलाफ न केवल मामला दर्ज होता है बल्कि कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो दोस्तों, मैं आज बताऊँगा भारत दंड संहिता 1860 की धारा 196 की परिभाषा। इस पर ऐसा को देखेंगे, जो कोई व्यक्ति किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टाचार पूर्वक उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह IPC की धारा 196 के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो साक्ष्य को मिथ्या होना जानता हो या मिथ्या गढ़ा होना जानता हो, सच्चा है या नकली है वह जानता रहे और भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, डॉक्यूमेंट पेश करता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 196 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। अगर हम इसको बहुत ही सरल भाषा में समझें, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने वाला कोई डॉक्यूमेंट फर्जी अथवा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई कोई भी चीज़ गलत है और न्यायालय में विचाराधीन मामले को प्रभावित कर सकती है, इसके बाद भी न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, ऐसा व्यक्ति IPC की धारा 196 के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। अब बात करेंगे, अब भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 196 में क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानती प्रकृति के और अजमानती प्रकृति दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी यह अपराध जमानती हो सकता है, अजमानती हो सकता है, संज्ञेय भी असंज्ञेय। इस अपराध की सुनवाई उसी न्यायालय में होगी जिस न्यायालय में व्यक्ति झूठे साक्ष्यों को प्रस्तुत कर रहा होता है, यानी उसी कोर्ट में चलेगा जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो, अर्थात विचारणीय न्यायालय में। इस अपराध की सजा वही होगी जिसमें बचने के लिए व्यक्ति ने झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, अर्थात किसी निर्दोष व्यक्ति को चोरे में फंसाने के लिए झूठे साक्ष्य दिए हैं, तो इस धारा के तहत आरोपी को चोरी की सजा से भी दंडित किया जाएगा। तो चल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।